नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौकसे और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं ट्रेनिंग क्या होती है और ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, इसको विद एग्जांपल हम समझने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए एक डेफिनेशन देखते हैं। ट्रेनिंग रिफर्स टू अ सिस्टमेटिक सेटअप वेयर एम्प्लॉयज आर इंस्ट्रक्टेड एंड टॉट मैटर्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड टू देयर जॉब। मीन्स ट्रेनिंग जो होती है वो एक टेक्निकल सेटअप होता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो लेबर कैटेगरी के हों या सुपरवाइज़र, इंजीनियर से मैनेजर, किसी भी लेवल पे हो, उनको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है रिलेटेड टू देयर जॉब, रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट और सर्विस, उसके रिलेटेड उनको टेक्निकल नॉलेज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। और ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है? ताकि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े और कंपनी प्रॉफिटेबल हो, है ना दोस्तों। तो आप समझे होंगे कि ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, ये तो समझ गए। और ट्रेनिंग क्या होती है, जो कि एक सिस्टमेटिक सेटअप होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ को टेक्निकल एज वेल एज़ नॉन टेक्निकल सारी चीज़ों का इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि उनको अपने टास्क कैसे परफॉर्म करने हैं, किस टाइप से परफॉर्म करने हैं, कैसे उनको CTQs मैच करना है, ये सारी चीज़ें हम उनको ट्रेनिंग में सिखाते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उसके ट्रेनिंग के। जो हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल है वो है बर्नियर माइक्रोमीटर एंड अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मींस जैसे कि कोई फ्रेशर बंदा आया हुआ है जिसकी नई जॉइनिंग है, उसको क्वालिटी डिपार्टमेंट में लिया गया है, तो सबसे पहले उसको बर्नियर माइक्रोमीटर और हो सकता है मेजरिंग टेप चलाना सिखाए, है ना, ये सारी चीज़ों को मेज़र करना सिखाते हैं कि इसको किस तरह से हम अपने जॉब को ये अपने एपरेटस से मेज़र कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा सेकंड, हाउ टू जनरेट लीड। मींस ये हम सेल्स की ट्रेनिंग में देते हैं, जो सेल्स की टीम होती है उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे वो नई लीड्स को जनरेट करें, या फिर अगर ऑलरेडी उनके पास एक कोई लीड है तो फिर उसको आगे फर्दर कैसे अपने कस्टमर्स को डील करें या नए कस्टमर्स को कैसे ज्वाइन करवाएं, इस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है सेफ्टी, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी में, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल या मीडियम स्केल, किसी भी टाइप की कंपनी में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर ओवरहेड पे काम हो रहा है तो आपको सेफ्टी बेल्ट पहनने हैं, अगर क्रेन चल रही है तो सेफ्टी शूज़ और सेफ्टी हेलमेट्स, ग्लव्स, इन सब चीज़ों को कह के काम करना है। फिर फायर की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर अगर बेल्डर है तो बेल्डिंग की ट्रेनिंग, ग्राइंडर है तो ग्राइंडर मैन है तो ग्राइंडिंग की ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे ये मैनेजर लेवल पर हो गई, लीन, 5S, काइजन, 6 सिग्मा, यहाँ मैनेजर नहीं, सभी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है ये सारी ट्रेनिंग के वो अपने अपने टास्क में लीन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फिर काइजन को किस तरह से किया जा सकता है, 5S को किस तरह से किया जाता है। मतलब ये एक जर्नी होती है जिसमें कि लोअर लेवल से मैनेजर लेवल, CEO लेवल सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए सभी को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।